कि बीजेपी की जीत का झंडा आज यूपी के गरीब ने खुद इस झंडे को उठा लिया है। पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है, आप सब मेरे परिवार के हैं। पहले बसपा और फिर सपा ने तो विकास की इस आकांक्षा को ही सीमित कर दिया था, इन्होंने तो आपको छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसा दिया था। सपा बसपा वालों ने इसका आसान रास्ता निकाला और चीनी मिलों को ही बंद कर दिया। लोधेश्वर महादेव के पावन भूमि बाराबंकी और भगवान राम के सुहावनी अवधपुरी अयोध्या के लोगन का हम हाथ जोड़कर प्रणाम करित है। ये लोग बौखलाए हुए हैं, यूपी के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि बीजेपी की जीत का झंडा आज यूपी के गरीब ने खुद इस झंडे को उठा लिया है। और जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं, उसमें बुरा क्या है, हम परिवार वाले हैं इसलिए परिवार का दुख जानते हैं, मैं जरा गौर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई, मेरी मुस्लिम बेटियों बहनों को छोटे छोटे बच्चे लेकर के पिता के घर लौटना पड़ता था, तब तुम्हें परिवार का दर्द क्यों समझ नहीं आया। हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है, आप सब मेरे परिवार के हैं। पहले बसपा और फिर सपा ने तो विकास की इस आकांक्षा को ही सीमित कर दिया था, इन्होंने तो आपको छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसा दिया था। इन दिनों आप सब टीवी वाले गांव गांव जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, और जब लोग कहते हैं कि ये मिला है ये मिला है ये मिला है, तो जो टीवी वाला है ना जरा खरोदता है, नहीं नहीं लेकिन उसका क्या उसका क्या, तो फिर नागरिक बोलता है हाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो फिर टीवी वाले अगर जिसको पिछले 20 साल से मेरे जैसे लोग पसंद नहीं है, वो उसका अर्थ निकालते हैं, देखो लोगों को कुछ मिला नहीं है। लेकिन सपा बसपा वालों ने इसका आसान रास्ता निकाला और चीनी मिलों को ही बंद कर दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लेकिन भाजपा की सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान पर काम कर रही है।